हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माधवीज़ किचन। मैं हूं माधवी और आज मैं आपके लिए लाई हूं ब्यूटीफुल डिलीशियस और सॉफ्ट यूनिकॉर्न केक की रेसिपी। और ये जो केक है बहुत ही सिंपल और आसान से तरीके से बना रही हूं बिना किसी तामझाम के। और इसमें जो भी सारी एक्सेसरीज़ मैंने यूज़ की है वो सारे एडिबल हैं, बिना फॉन्डेंट का यूज़ किए ये केक मैंने बनाए हैं। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी सिंपल यूज़ किए हैं मैंने, बहुत ज़्यादा कॉस्टली इंग्रेडिएंट्स भी मैंने यूज़ नहीं किए हैं इसमें। तो ऑन द होल बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इस केक को बनाने के लिए मैंने 5 इंच डायमीटर का ये केक टिन लिया है और इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, ये 4.5 इंच हाइट वाला केक टिन है। तो इसको सबसे पहले हम लाइन कर देंगे इको बैग से इस तरीके से। यहाँ पे मैंने कम डायमीटर का केक टिन लिया है ताकि जो केक है उसकी हाइट ज़्यादा बने। आपके पास जो भी केक टिन है आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम 1/2 कप चीनी लेंगे और इसको सबसे पहले हम ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए चीनी का पाउडर हमने तैयार कर लिया है। और अब हम चलते हैं बैटर बनाने की तरफ। तो बोल में हम लेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, इसमें डाल देंगे चीनी का पाउडर जो हमने तैयार करके रखा था, कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे वनीला एसेंस के। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दूध। दूध को मैंने उबाल कर ठंडा कर लिया है और सारी चीज़ों को एक बार बीट कर लेंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। यहाँ रिफाइंड ऑयल की जगह बटर का भी यूज़ किया जा सकता है। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से घुल गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून विनेगर। विनेगर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैं चॉकलेट केक का बेस बना रही हूँ तो यहाँ 1 कप मैदा मैंने लिया है और इसमें मैंने डाला है 1/4 कप कोको पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। और सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है एक ही डायरेक्शन में ताकि बैटर एकदम स्मूथ बने। धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते जाना है और आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ सा बैटर हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मिक्सचर थोड़ा थिक लगे तो इसमें 2-3 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर सकते हैं। तो बैटर हमारा हो गया है रेडी, इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं केक टिन में जो हमने पहले से रेडी करके रखा था। ये देखिए केक टिन के साइड में भी मैंने इको बेक लगा दिया है और टैप कर लेंगे थोड़ा सा केक टिन को। और अब केक को हम बेक होने के लिए रखेंगे। तो ओवन को मैंने कन्वेक्शन मोड में प्रीहीट कर लिया है 180 डिग्री सेल्सियस पर। अब केक को बेक होने देंगे और टाइम मैं सेट कर दूंगी यहाँ पे 40 मिनट। 35 से 40 मिनट में ये केक हमारा तैयार हो जाता है। तो 35 मिनट के बाद एक बार केक को चेक कर लें। केक की थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है तो इसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो 40 मिनट का टाइम मैंने सेट किया, 40 मिनट में ये केक हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए 40 मिनट हो चुके हैं, केक को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए केक काफ़ी अच्छे से फूल चुका है, एक बार नाइफ़ से इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए नाइफ़ भी बिल्कुल क्लीन निकली है, मतलब केक हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। तो चॉकलेट स्पंज केक हमारा तैयार है, इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। और अब हम तैयार कर लेते हैं व्हिप्ड क्रीम। तो 1 कप चिल्ड व्हिपिंग क्रीम मैंने ली है एक बोल में, इसे 3-4 मिनट के लिए बीट कर लेंगे हाई स्पीड पर। इस क्रीम में पहले से शुगर और फ्लेवर एडेड है तो हम इसमें और कुछ ऐड नहीं करेंगे, बस क्रीम को हम बीट कर लेंगे। धीरे धीरे क्रीम गाढ़ी होती जाएगी और इसमें पीक्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए क्रीम जो है वो गाढ़ी हो गई है, 3 से 4 मिनट हुए हैं मुझे बीट करते हुए। हम इसे 2-3 मिनट के लिए और बीट कर लेंगे लो स्पीड पर जब तक कि स्टिफ पीक्स ना आ जाएँ। तो ये देखिए स्टिफ पीक्स आ गए हैं क्रीम में, क्रीम हमारी अच्छे से बीट हो चुकी है। और अब ये जो क्रीम है ये रूम टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहेगी, मेल्ट नहीं होगी। ये देखिए हमारी व्हिप्ड क्रीम तैयार है। अब हमें क्या करना है, इस क्रीम को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इस क्रीम को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे कलर। ये यूनिकॉर्न केक हम काफ़ी कलरफुल बनाएंगे तो यहाँ पे 3 कलर मैंने यूज़ किया है। पहले 1 पार्ट में हम डालेंगे पर्पल कलर, 1-2 बूंद हमें पर्पल कलर डालना है। दूसरे पार्ट में मैंने डाला है ब्लू कलर और तीसरे पार्ट में मैंने डाला है पिंक कलर। और कलर को अच्छे से क्रीम के साथ मिक्स कर लेंगे। वैसे आप अपनी पसंद के कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी कलर पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जेल फूड कलर्स यूज़ किए हैं जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जेल फूड कलर्स क्रीम में बहुत ही अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं और कलर बहुत अच्छा आता है। तो कलर जब हम क्रीम में मिक्स कर लेंगे तो क्रीम को हम रख देंगे फ्रिज में और जब केक को डेकोरेट करेंगे तब हम
क्रीम को फ्रिज से निकालेंगे। तो ये देखिए सारे कलर्स हमारे रेडी हो गए हैं, तो मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। यूनिकॉर्न केक में आईज़ और ईयर्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 80 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है, उसको चॉप कर लिया है और चॉप किए हुए चॉकलेट को हम मेल्ट कर लेंगे डबल बॉयलर के ऊपर रखकर। तो पानी को मैंने बॉयल कर लिया है और उसके ऊपर हम ये बोल रखकर इस तरह से चलाते जाएंगे तो क्या होगा, चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये स्मूथ हो जाए। इसी चॉकलेट से हम यूनिकॉर्न को सजाने के लिए ईयर्स और आईज़ बनाएंगे। यहाँ पे मैं कोई आर्टिफिशियल एक्सेसरी यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें एडिबल होंगी। तो ये देखिए मैंने इको बेक से ही यहाँ पे कोन बना लिया है और जब चॉकलेट रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो मेल्ट किया हुआ चॉकलेट को हम भर लेंगे कोन के अंदर और उससे हम यूनिकॉर्न की आईज़ और ईयर्स बनाएंगे। तो इस तरह से इको बेक पर ही हम इस तरह से आईज़ बनाएंगे ताकि आईज़ बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा और इसे निकालना भी ईजी होगा उस पर से। और ये देखिए इस तरह से हम यूनिकॉर्न के ईयर्स बना लेंगे। ये देखिए आप चाहें तो इस पर आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, ड्रॉ करने के बाद आप चॉकलेट इस तरह से उसके अंदर फिल कर दीजिए और हमारे यूनिकॉर्न का आईज़ और ईयर्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं आईज़ और ईयर्स बना रही हूँ यूनिकॉर्न के। इसको हम रख देंगे फ्रिज में करीब आधे घंटे के लिए, आधे घंटे में ये अच्छे से सेट हो जाता है और हार्ड हो जाता है। थोड़ा सा चॉकलेट मेरा बच गया है तो इससे मैं इस तरह से चॉकलेट चिप्स बना लूँगी थोड़े से, इसे भी हम यूज़ करेंगे केक को डेकोरेट करने के लिए। तो ये देखिए आधे घंटे के बाद यूनिकॉर्न के आईज़ और ईयर्स सेट हो गए हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हुए हैं और ये देखिए हमारे चॉकलेट चिप्स भी रेडी हो गए हैं, इसको हम डेकोरेट करने में यूज़ करेंगे। ये देखिए हमारा स्पंज केक भी ठंडा हो चुका है, ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है, इसका पेपर निकाल लेंगे। और ये देखिए बहुत ही अच्छी सी हाइट आई है केक की। अब केक को हम असेंबल करना शुरू करेंगे। तो पहले हम केक को कट कर लेंगे, इसका ऊपर का जो अनइवन लेयर है इसे हम निकाल कर अलग कर देंगे। और केक को मैं तीन लेयर में कट कर रही हूँ, आप चाहें तो चार लेयर में भी कट कर सकते हैं इसे। मैंने टर्न टेबल पर केक को रखा है, अगर आपके पास टर्न टेबल ना हो तो आप किसी प्लेट में भी केक को असेंबल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए काफ़ी स्पंजी केक बना है, इसका टेक्सचर काफ़ी स्पंजी आया है, काफ़ी हाइट वाला है, तो इसमें से हम चार या पांच लेयर भी कट करके अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे तीन लेयर ही केक के कट कर रही हूँ। ये देखिए तो इस तरह से नाइफ से हम केक को, तो ये देखिए मैंने केक को तीन लेयर्स में डिवाइड कर लिया है। और अब फर्स्ट लेयर पर हम डालेंगे शुगर सिरप। दो टेबलस्पून चीनी को मैंने आधा कप पानी में डिज़ोल्व कर लिया है और उससे ही हम केक को सोक करेंगे, इससे केक बहुत देरी तक मॉइस्ट रहता है। और अब इसके ऊपर हम पिंक व्हिप्ड क्रीम को स्प्रेड करेंगे। ये देखिए फिलिंग के लिए मैं पिंक वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, इसको अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लिया है। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे चॉकलेट चिप्स जो मैंने बनाए थे, ये देखिए, और इसके ऊपर हम इसे कवर कर देंगे केक के सेकेंड लेयर से, इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे और इसको भी सोक कर लेना है शुगर सिरप से। और अब इसके ऊपर भी पिंक व्हिप्ड क्रीम स्प्रेड करेंगे। ये देखिए काफ़ी सुंदर लगता है ये केक देखने में। क्रीम स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर भी हम डाल देंगे चॉकलेट चिप्स और इसके ऊपर फिर से थर्ड लेयर डाल देंगे केक का, और जो साइड में क्रीम लगी है उसको एक बार इस तरह से इवन कर लेंगे। और अब केक के ऊपर कवर करने के लिए हम यूज़ करेंगे ब्लू व्हिप्ड क्रीम। ब्लू क्रीम से केक को पूरी तरह से कवर कर देंगे। तीनों कलर की क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग्स में भर लिया है और इसमें स्टार नॉजल लगा लिया है। तो ये देखिए क्रीम मैंने चारों तरफ लगा दिया है और अब स्क्रेपर या किसी कार्ड की मदद से इस तरह से इसे स्मूथ कर लेंगे। ये देखिए और इसके टॉप को भी कवर कर देंगे हम। बहुत ही आसान है इसे बनाना, इसमें फॉन्डेंट का भी यूज़ नहीं किया गया है, व्हिप्ड क्रीम से ही हम केक को डेकोरेट करेंगे। तो ये देखिए क्रीम से मैंने पूरी तरह से केक को कवर करके क्रीम को स्मूथ कर लिया है और अब हम इसके ऊपर डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ यूनिकॉर्न का हॉर्न बनाने के लिए मैंने इस तरह का
वेफ़र कोन यूज़ किया है, ये मार्केट में कहीं भी आसानी से मिल जाता है। तो छोटे साइज़ का वेफ़र कोन मैंने लिया है, और जो आइस हमने बनाई थी यूनिकॉर्न की उसे भी स्टिक कर देंगे साइड में, ये देखिए। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एडिबल हैं। आप चाहें तो जो रेडीमेड एक्सेसरीज मिलते हैं वो भी आप ले सकते हैं मार्केट से। अब हम बनाएंगे यूनिकॉर्न के हेयर, तो डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ करके हम हेयर बना देंगे। तो हमने जो तीन विप क्रीम, तीन कलर की विप क्रीम बनाई है, उससे हम यूनिकॉर्न के हेयर बनाएंगे। ये देखिए, देखने में काफ़ी सुंदर लगने लगा है केक हमारा। ये देखिए, काफ़ी कलरफुल हमारा केक बन गया है, बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आप बर्थडे पर या किसी भी ओकेजन पर बनाना चाहें तो ये यूनिकॉर्न केक बना सकते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। लग रहा है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल। दोस्तों, आपको ये केक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी रेसिपीज़ मैं आपके लिए आगे भी लाती रहूं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा यूनिकॉर्न केक तैयार है, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। तो ये हो गई हमारी डेकोरेशन यूनिकॉर्न केक की, बाकी रह गया ईयर्स। तो ईयर्स हम इस तरह से केक के ऊपर लगा देंगे, और ये लीजिए हमारा ब्यूटीफुल डिलीशियस और सॉफ्ट यूनिकॉर्न केक तैयार है। इसको हम फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए, उसके बाद इसको सर्व करेंगे। ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में। आप अपनी पसंद के कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मैंने पर्पल ब्लू और पिंक यूज़ किया है। आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं, और ये केक बहुत ही बढ़िया बनता है। इसमें ना फॉन्डेंट का यूज़ किया गया है, ना कोई भी एक्सेसरीज़ कॉस्टली वाली यूज़ की गई है, बहुत ही सिंपल केक है, और केवल व्हिप्ड क्रीम से हमने ये डेकोरेशन की है। तो दोस्तों, आई होप ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आइए मैं आपको केक को कट करके दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, बिना एग और बिना प्रीमिक्स वगैरह यूज़ किए हुए इतना सॉफ्ट और स्पंजी केक हमारा बना है। तो दोस्तों, आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, इसे ट्राई कीजिए किसी भी ओकेजन पर और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। ये देखिए कितना अच्छा केक हमारा बना है, इसके लेयर्स भी बहुत बढ़िया आए हैं और सारे कलर्स अच्छे से दिख रहे हैं लेयर्स में। ये देखिए कितना सॉफ्ट केक बना है, और मुँह में जाते ही घुल जाएगा। दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।